हेलो साथियों, कैसे हैं? सुजान अकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स हमारी विद्युत लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स यानी कि SSP में चल रहे थे, ठीक है। और उसका जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसमें लैटिस वगैरह के बारे में हमने देख लिया था, ब्रेवे लैटिस हमने देख ली थी, 14 टाइप्स की ब्रेवे लैटिस होती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो चार तरह की जो लैटिस थी, जैसे उसमें तीन तो क्यूबिक से रिलेटेड थी, यानी कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है, यानी कि सरल गणीय, अंत केंद्रित गणीय और फलक केंद्रित गणीय, उनके बारे में सारी चीज़ें हमने कर ली थी। और उसके अलावा एक टाइप की और थी जिसे हम हेक्सागोनल जो हमारे पास लैटिस थी, यानी कि षटकोणीय लैटिस है, उसके बारे में भी हमने सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन जो भी उनकी बनती है वो सारी ले ली थी, ठीक है। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो है मिलर सूचकांक। अगला जो टॉपिक रहेगा आपके पास जो रहेगा मिलर सूचकांक, सूचकांक है ना, मिलर सूचकांक, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो मिलर इंग्लिश हो जाएगा एक मिनट, मिलर मिलर इंडिसेस, मिलर सूचकांक, ठीक है। तो मिलर इंडिसेस यानी कि मिलर सूचकांक का मतलब क्या है? जब हम क्रिस्टल जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, है ना, तो क्रिस्टल में क्या होंगे, क्रिस्टल के जो प्लेन होते हैं, क्रिस्टल के जो समतल है, वो समतल एक्सिस पे किस तरह से काटते हैं उसके ऊपर हमारे जो है ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए ये एक क्यूबिक क्रिस्टल हम लेते हैं, ये मान लीजिए क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल है तो ये जो है हमारे पास इस डायरेक्शन में हम अगर लेते हैं तो उसे x, और ये वाली जो है हमारे पास b, और ये वाला है हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह से हमने इसके अंतखंड ले लिए, ए बी सी जो है वो क्या है, क्रिस्टल एक्सिस के अंतखंड हो गए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखें तो अगर मान लीजिए मुझे इसमें से कोई भी एक प्लेन लेना है क्रिस्टल में से, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर ये प्लेन लिया, ठीक है, ये अगर मैंने प्लेन लिया, ये प्लेन क्या कर रहा है, ये प्लेन, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस नहीं, इसको ए बी सी ये यहाँ से यहाँ तक है और बी वाला यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो मेरे पास एक्सिस है ये कौन सी है, जेड एक्सिस। ये प्लेन जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, ए पे काट रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से कितनी है, ए है। तो इस प्लेन को लिखने का तरीका, अगर मैं अंतःखंड की फॉर्म में लिखूँ यानी कि इंटरसेक्ट की फॉर्म में लिखूँ, तो इसका इंटरसेक्ट कितना होगा, वाई एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, इन अनंत पे, ठीक है। और जेड एक्सिस में भी कहाँ होगा, अनंत यानी कि इनफाइनाइट पे, और यहाँ इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ए पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अनंत को लिखना थोड़ा सा, या फिर इसको जो है अनंत तक इसको ले जाना, वो थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट मैटर। तो क्या करते हैं, इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिलर सूचकांक यानी कि मिलर इंडिसेस का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। पहले मैं कुछ डायग्राम बनाता हूँ, देन उसके बाद में हम मिलर इंडिसेस निकालते कैसे हैं उसके बाद में करता हूँ, ठीक है। तो इस वाले में होता क्या है, तो आप देखिए पहले कि जब भी आप मिलर इंडिसेस यानी कि ये मिलर सूचकांक निकालेंगे, तो मिलर सूचकांक के कुछ मिलर सूचकांक के कुछ नियम होते हैं जिनको अपने फॉलो करना है। मान लीजिए एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो इंटरसेक्शन है, ये एक्स वाई जेड में जो इंटरसेक्शन है, मान लीजिए यहाँ इंटरसेक्शन होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी। भाई देखिए ए तो क्या है, लैटिस कॉन्स्टेंट है ना, वो जालक जो है वो नियतांक है, ठीक है, वो फिक्स है किसी जालक के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए वो डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, जिस पॉइंट पे आप जाना चाहते हो वो इस पॉइंट पे कहीं पे भी हो सकता है, ए पे हो सकता है, 2a पे हो सकता है, 3a पे हो सकता है, 5a पे हो सकता है, कितने a पे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिखूँ, ये जो पॉइंट है मेरा, ये वाला, ये पॉइंट कौन सा है, ये मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है पी ए, है ना, पी टाइम्स हो गया, ए का पी टाइम्स हो गया। सिमिलरली एक पॉइंट आपने यहाँ लिया वाई में, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी है, क्यू बी, ठीक है। एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, ये आपके पास डिस्टेंस कितनी हुई, इसको थोड़ा सा मैं और तिरछा बनाता हूँ, यहाँ रह लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है,
पी क्यू आर सी, है ना। सी का देखो ए बी सी कन्फ्यूज नहीं, ए बी सी क्या है, ए बी सी है क्रिस्टल जो जालक है जो लेटिस है उनके लेटिस कॉन्स्टेंट यानी कि जालक नियतांक। ए बी सी क्या है, जालक नियतांक। लेटिस कॉन्स्टेंट ठीक है। पी क्यू आर अच्छा हिंदी में लिखोगे तो जालक नियतांक। जालक नियतांक ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ जो है जो भी प्लेन आप मान रहे हो तो ये प्लेन क्या होगा, कुछ इस तरह से कटेगा यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। ठीक है ये प्लेन दिख रहा है यानी कि एक्सिस के ऊपर अगर मैं इसको देखूं तो प्लेन किस तरह से, इस तरह से ये आपके पास थ्री एक्सिस हो गई तो एक यहाँ कट रहा है फिर यहाँ कट रहा है और फिर यहाँ कट रहा है ठीक है। इस तरह से ये प्लेन है, ये प्लेन दिख रहा है आपको। अच्छा इसको अगर आप चाहो तो मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, है ना। ये मेरा प्लेन है, ये प्लेन कहाँ कहाँ कट रहा है, इस पर कट रहा है। इस प्लेन को मिलर इंडिसेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, सबसे पहले जो भी आपको प्लेन के जो जहाँ कट रहा है उसके एक्सिस की लेंथ लिखो ठीक है। तो वो लेंथ कितनी होगी, वो हो जाएगी मेरे पास पी ए ठीक है अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी ठीक है। ये आपने लिख दी। इसके बाद क्या करिए, उसमें ए बी सी से भाग दे दीजिए। किससे कर देते हैं, ए बी सी से डिवाइड करना है उसको ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको ए बी सी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर ठीक है। क्या करना, डिवाइड करना ए बी सी से, है ना। लिख दो यहाँ पे, ऐसे मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाय इसको ए से पहले वाले किससे करोगे, ए से डिवाइड करोगे, इसको बी से करोगे, इसको सी से। ऐसे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि अलग अलग हो रहा है ना ए बी सी से। तो इसको पहले आप ए से डिवाइड करेंगे, इसको बी से डिवाइड करेंगे और इसको सी से डिवाइड करेंगे। यानी कि x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में इसके लेटिस कॉन्स्टेंट अलग है। लेटिस कॉन्स्टेंट से इसको क्या करना, डिवाइड करना। डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिंपली वही p q और r। अब इस p q r का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है ठीक है। तो p q r का रेसिप्रोकल लेकिन क्या करेंगे, 1 अपॉन p 1 अपॉन q 1 अपॉन r 1 अपॉन p 1 अपॉन q और 1 अपॉन r। अब LCM of P, Q and R। LCM लेना किसका, P, Q और R का LCM लेना है ठीक है। जब P, Q, R का आप LCM लेंगे तो मान लीजिए वो LCM कितना आ रहा है, वो LCM मान लीजिए आपके पास आ रहा है P, Q, R S आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, इससे इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे अब जो यहाँ पे नंबर बचेंगे वो आपके क्या होंगे, H K L और इसको लिखने का फॉर्मूला क्या होगा, H K L ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और ये जब आप इस तरह से लिख, अच्छा इसमें ये लिखाने की जरूरत भी नहीं है, H K L लिखेंगे। ये जो H K L लास्ट में आपको फाइनल मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, मिलर इंडिसेस ठीक है, मिलर सूचकांक ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब एक बार मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ उसके बाद मैं आपके आगे सारे सोल्व करता हूँ ना। तो आप देखिए ये क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि अच्छा एक चीज़ और लिख लेना, जब माइनस में कोई चीज़ हो तो नेगेटिव जो है इसमें मिलर इंडिसेस में किस में चल जाएगी, वो बार में चल जाती है ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का मिलर इंडिसेस निकाला है और उसमें नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एच बार
ठीक है, नेगेटिव में क्या लगेगा उसके ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, मान लीजिए नेगेटिव में एच निकला ना तो उसको हम क्या लिखेंगे, एच बार लिखेंगे। ठीक है, एक मिलियन डिशेज में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, एक तल के ये एक तल के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जो तीनों अक्षों को ए अनुपात थ्री बी अनुपात माइनस थ्री सी माइनस टू सी के अनुपात में काटती है, जहां ए बी सी जो है क्या है इसके प्रचलित अर्थ लिए हुए। अब प्रचलित अर्थ का मतलब क्या है, वही आपके लेटेस्ट कॉन्स्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या किया गया है, आप इसमें देखिए, गिविन है क्वेश्चन में कि तीनों अक्षों पर काटते हैं किस अनुपात में, ए अनुपात थ्री बी अनुपात माइनस टू सी में काटते हैं, ये गिविन है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेटेस्ट कॉन्स्टेंट से इसको डिवाइड करिए। तो कर दीजिए लेटेस्ट कॉन्स्टेंट से डिवाइड, सी बी टी है ना, अनुपात की फॉर्म में। उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वन थ्री माइनस टू, वन थ्री और माइनस टू। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो जैसे रेसिप्रोकल लेगो तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन वन, तो इसको वन लिख दूँ, कोई समस्या ही नहीं है। वन अपॉन थ्री और माइनस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करोगे, इनका एलसीएम, दो और तीन का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, सिक्स, तो सिक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे सिक्स से तो क्या बन जाएगा, ये टू और ये माइनस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका अनुपात जो है उसको तोड़ दो, तो क्या अनुपात होगा, तीन का भाग इसमें जा रहा है, दो का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, छः अनुपात, देखते हैं इसका कुछ और हो सकता है क्या, आपस में कटेंगे नहीं तीनों, नहीं कटेंगे तो यही रह जाएगा। तो कुल मिला के मिलर इंडिसेस क्या मिलेंगे, सिक्स, ठीक है, टू और थ्री बार, क्योंकि जो माइनस आ रहा है उसको क्या लिखना है, बार की फॉर्म में लिखना है। तो क्या मिल गया, सिक्स टू और थ्री बार, ये क्या है, ये मिलर सूचकांक है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और, कुछ मैं प्लेन बनाना चाह रहा हूँ है ना, कि प्लेन कौन कौन सा प्लेन का मिलर सूचकांक क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। और अच्छा, जिसमें अनंत आ रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे मैं एक अनंत का क्वेश्चन लेकर देखता हूँ, इसमें अगर कहीं दे रखा हो तो ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन समांतर तलों, लिख लेना, उन समांतर तलों के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए जो x तथा y अक्षों को, x तथा y अक्षों को, क्वेश्चन गिविन है x पे और y पे कहाँ कहाँ काट रहा है, x पे 3a अनुपात 4b है ना, x तथा y अक्षों को 3a अनुपात 4b के अनुपात में काटते हैं तथा z अक्ष के समांतर है। z अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या हुआ, जेड एक्स में कितना है, इनफाइनाइट, जेड एक्स में कितना है, इनफाइनाइट, जहां ए बी सी अभाज्य कोष्ठिका के जालक नियतांक है, ठीक है, लेटेस्ट कॉन्स्टेंट है ए बी सी। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो ए बी सी का इसमें डिवाइड करोगे, तो थ्री अनुपात फोर अनुपात इनफाइनाइट, इनका रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जब एलसीएम लोगे तो अनफाइनाइट का एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट से कितना मिल जाएगा, तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, जीरो। तो कुल मिला के तो क्या हो गया, जीरो। यहाँ एलसीएम लेना है तीन और चार का, तो कितना आएगा, तीन और चार का एलसीएम बारह आएगा, बारह से इसको करेंगे तो आएगा फोर अनुपात तीन अनुपात जीरो, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मिलर सूचकांक लिखूंगा तो चार तीन और जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, चार तीन तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ ये क्या डिसाइड कर रही है, ये चीज़ ये डिसाइड कर रही है कि जो हमारा समांतर अक्ष रहे, जो प्लेन जो है जिस अक्ष के समांतर रहेगा उसका मिलर सूचकांक कितना होगा, वो जो इनफाइनाइट वाली जो कंडीशन थी ना, वो इनफाइनाइट वाली क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्योंकि मैंने आपको इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट समझा दिया, तो मैं सीधे सीधे मिलर सूचकांक के हिसाब से प्लेन लिखूंगा, मिलर प्लेन, ठीक है। प्लेन कौन कौन से होंगे उसके बाद में करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लेन हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे, इस वाले से कि वन जीरो जीरो, ये प्लेन अगर मुझे लिखना है तो कौन सा होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन मान लीजिए आ जाता है और वो एक डायग्राम दे रखे, तो डायग्राम से हमें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप इस तरह से बनाइए,
ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में तो वन पे है और वाई और जेड में क्या हो रहा है, वाई और जेड के अंदर जो है वो जीरो आ रहा है मीलर सूत्र। ये क्या है, मीलर सूचकांक, एस के एल, एस के एल है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, मीलर सूचकांक जीरो होने का मतलब उसके पैरेलल में है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये जेड एक्सिस में भी क्या चलेगा इसके पैरेलल, और वाई एक्सिस में भी क्या चलेगा पैरेलल, ठीक है। तो अब आप इस तरह से ये प्लेन थोड़ा और इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो ये प्लेन कौन सा हुआ, ये प्लेन जो है ये होगा 100, ठीक है, जो सिर्फ एक्स एक्सिस पर कट रहा है, वाई के भी पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये प्लेन ऐसे होता 0, 1, 0, तो क्या होगा, करते तो अब क्या होगा, इसमें कटेगा और बाकी में पैरेलल रहेगा। तो ये लीजिए, ये प्लेन कौन सा होगा, 0, 1, 0, ठीक है। आगे वाला 0, 0, 1, तो इसका मतलब जेड एक्सिस में तो कटेगा और वाई और उसमें क्या रहेगा, एक्स में पैरेलल रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, 0, 0, 1 प्लेन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप इसको नॉर्मली आप अगर मान लीजिए दूसरा बना सकते हैं, कैसे, इस तरह से बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप क्या करिए, पहले तो एक ये अपना क्यूब बना लीजिए, यानी कि क्यूबिक। अब मान लीजिए इसी में मुझे बताना है, तो 100 कौन सा प्लेन होगा, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यानी कि ये एक्स वाई और जेड, जो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या रहे पैरेलल और एक्स एक्सिस में क्या कटा हो, तो कौन सा, ये वाला प्लेन हो गया, हो गया ना, ठीक है। अगला कि मान लीजिए कौन सा बताना है मुझे, ये वाला, तो वाई एक्सिस में कटा रहे ये नहीं रहे, तो कौन सा हो गया, ये वाला दूसरा प्लेन हो गया। तीसरा कौन सा है, 0, 0, 1, तो ये हो गया 0, 0, 1। आगे समझ में, तीनों वही प्लेन थे, मैंने सिंगल सिंगल बनाया, इस बॉक्स में भी आप बना सकते हो क्यूबिक इसकी वो लेके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि मान लीजिए इसके अंदर ये प्लेन जो है वो मैं ये बनाना चाहता हूँ, ये वाला, तो क्या करूँगा, ये एक्सिस हो गई, ये मेरा क्यूब हो गया, ठीक है। अब 100, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो उस पर जाओ जो जीरो वाला है, तो इसका मतलब जीरो जेड जेड के जो है पैरेलल होगा, तो जेड के पैरेलल कौन सा है, ये पैर के पैरेलल है, ये जेड के पैरेलल है, ठीक है। अब उसमें से भी क्या होगा, एक्स और वाई दोनों में कटना चाहिए, ठीक है, तो एक्स में भी कटना चाहिए, वाई में भी कटना चाहिए, जेड के पैरेलल होना चाहिए, ऐसा मुझे क्या चाहिए, प्लेन चाहिए, ठीक है। ऐसा प्लेन कौन सा होगा, तो आप देखिए ये वाई पे कट रहा है, ये एक्स पे कट रहा है, इन दोनों लाइन को मिला दो, ठीक है, फिर इसके पैरेलल में ये, चलो ये वाला, और ये जो प्लेन होगा अंदर, ये कौन सा होगा, 1, 1, 0, समझ में आया, ये प्लेन कौन सा होगा, 1, 1, 0, जो क्या है विकर्ण के उसके ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये होगा 1, 1, 0 प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये 1 भी यहाँ, ये यहाँ लिख देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये वाला कंडीशन लेते हैं, ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अगला है 1, 0, 1, तो इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, जेड और एक्स में कटना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए ये एक्स है, ये जेड है, इनको मिला दो, इसके पैरेलल कौन सा, ये, इसको मिला दो और ये लाइन खींच दो, तो इसका मतलब ये जो प्लेन है वो क्या होगा मेरे पास, 1, 0, 1 प्लेन होगा। सिमिलरली अगला
अगला हो जाएगा ये जीरो रहेगा, ये वन, ठीक है। अब y और z में तो कटना चाहिए, x के पैरेलल होना चाहिए, तो y और z में चल जाओ, ये y, ये z, इसको मिला दो, सामने वाले पॉइंट को मिला दो, और ये इस तरह से, तो ये कौन सा प्लेन हुआ, ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के जो है आपको हल्का सा बस दिमाग को खुला रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपके आराम से हो जाएगी, है ना। इसके अलावा मान लीजिए थर्ड एक और बचता है हमारे पास, वो कौन सा बचता है, वन 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 प्लेन, तीनों में कट रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो तीनों में कट रहा हो, अच्छा एक में फ्रेम में सब कुछ चल रहा, हाँ, तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब तीनों में कट रहा हो तो इसका मतलब यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा। अब आपस में मिला दो इसको, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, अब ये ट्रायंगल जो बीच में बन रहा है, ये क्या होगा, ये होगा आपके पास वन 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 प्लेन। अगर ये बॉक्स नहीं बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा ये, तो आप देखिए, अगर ये क्यूबिक नहीं है कैसा दिखेगा, ये तो रहेगी लाइन, ठीक है, देखा, त्रिभुज जो है ट्राइंगल है वो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी लगा हुआ है, और जेड एक्सिस पे भी इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो जीरो वाला जो है ये पॉइंट आपका, ये क्या होगा, इसके यहाँ से अगर कोई वो निकलती है तो इस प्लेन के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी, जिसे मैं एन केप से भी नोट कर सकता हूँ। अभी डी की बात हम करेंगे, दो प्लेनों के बीच के डिस्टेंस की, तब मैं ये लूँगा। अच्छा एक और बचता है कि मान लीजिए वन की जगह टू है तो क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, टू का मतलब क्या है, आगे नहीं बढ़ना, इसमें पीछे आना है, उल्टा आना है, ये दिमाग में रखना आप लोग थोड़ा सा, है ना। मान लीजिए मुझे 200 प्लेन बनाना है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो आपने ये बना लिया, ठीक है। अब वन ये जो 100 वाला प्लेन कौन सा बनाया था, ये वाला, तो 200 वाला का मतलब क्या है, क्योंकि मिरर इंडिसेस क्या है, रेसिप्रोकल लेके करते हैं, तो उसका मतलब अंदर घटेगा उल्टा वो, तो कहाँ घटेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो प्लेन होगा इसका आधा पैरेलल में, ये कौन सा होगा, 200 प्लेन, ठीक है। ये कौन सा है, 100 प्लेन, और ये कौन सा है, 200 प्लेन, क्योंकि एक्चुअल के अंदर, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक्चुअल के अंदर तो जो है आप जब वो काट रहे हैं, है ना, इंडिसाइज जो उनकी एक्सिस में कटते हैं, अंत्यखंड जो कटते हैं, इंटरसेप्ट जो करते हैं, वो बड़े हैं, ठीक है। फिर उनका आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेते क्या, जो जो चीज़ बड़ी है वो क्या होगी छोटी, तो इसमें क्या है, ये एस्केल क्या है, उसके रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब टू जो हालांकि इसमें दिखने में बड़ा दिखता है, लेकिन होगा क्या ये, क्योंकि देखो यहाँ पे इनफाइनाइट जो था वो क्या बन गया, जीरो, तो इनफाइनाइट जीरो बन गया, इसका मतलब आपने स्केल को उल्टी कर दी है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। ये आपके जो है मिलर इंडिसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए, न्यूमेरिकल्स प्लस इसके जो भी इस सिंपल क्यूबिक के लिए जो प्लेन बनते हैं वो प्लेन हमने देख लिए हैं, है ना। अब जो ये प्लेन बन रहे हैं, इन प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है वो ब्रेग ने दिया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, तो उस ब्रेग इक्वेशन पे हम लोग जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और कि जो दो प्लेन हैं उनके काटे गए अंत्यखंडों की जो अंत्य सॉरी क्या बोलते हैं उनको, जो दो प्लेन है पैरेलल, उन प्लेन के बीच की दूरी जो डी है वो कैसे हम देंगे उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो एक ये लिख लीजिए कि दो समांतर तलों के मध्य की दूरी, दो समांतर तलों के मध्य की दूरी, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो, इसमें लिख लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, वो क्या हो जाएगा, डी एच के एल इज इक्वल टू, ठीक है, वन अपॉन रूट में एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच के एल
ठीक है। अब इफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि क्यूबिक, क्यूबिक के लिए क्या होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा डी एच के एल इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सब में से कॉमन बाहर आएगा इस रूट के, तो ए ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ए अपॉन रूट में, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर, दोनों फॉर्मूले याद रखना है। जब आपके पास क्यूबिक संरचना नहीं है, क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, गणीय स्ट्रक्चर नहीं है, उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब गणीय स्ट्रक्चर है तो क्योंकि सारे के सारे क्या ए बी सी इक्वल है, तो कौन सा लगेगा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जब आपको डिस्टेंस निकालनी है, समांतर तलों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस तरह से निकाली जा सकती है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो गई है, ये मैंने आपको करवाई दिए हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा लेता हूँ इसका, मेल एंड डिस्चार्ज का, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये जो लिखा मैंने, इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ब्रेक इक्वेशन से मिला के देते हैं थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है इसके अंदर कि किसी क्रिस्टल के एक तल का क्रिस्टल अक्षों पर प्रतिच्छेदन, यानी कि इंटरसेक्शन, क्रिस्टल तलों का यानी कि जो आपके पास प्लेन है, उस प्लेन का क्रिस्टल एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन है, उस इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है क्वेश्चन में 1.49 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1.49 एंगस्ट्रॉम। अगला दे रखा है 2.58 एंगस्ट्रॉम, फिर है 1.25 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इस तरह से हमें गिवन है। यदि ए बी सी क्रमशः, इफ ये तो क्या है, ये सारे के सारे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑन एक्सिस, ठीक है, प्रतिच्छेदन अक्ष पर प्रतिच्छेदन, और दूसरा क्या दिया है ए बी सी की वैल्यू, ए बी और सी की जो वैल्यू है वो रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः क्या दे रखी है 3.01, 5.12 और 4.8, ये सारी की सारी एंगस्ट्रॉम में है ना, ये एंगस्ट्रॉम लिखना भूल गया मैं, एंगस्ट्रॉम में लिख लेना इनको, ये दे रखी है। अब पूछा है कि इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस क्या होंगे, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये क्या है, ये जो है पी ए क्यू बी और आर सी, ये वैल्यू दे रखी है, ये इंटरसेक्शन का मतलब समझ लेना क्या है ना, वो जो हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने पी क्यू आर में लिखा था, इसलिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1.49, इसको इस तरह से लिख लीजिए पहले क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे तो अनुपात 1.25, इसमें क्या करेंगे ए बी सी से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू है 3.01 एंगस्ट्रॉम, 2.58 अपॉन 5.12 एंगस्ट्रॉम, सारा कैंसिल आउट हो ही जाएंगे, और सॉरी 1.25 अपॉन 4.8, ठीक है। जब ये डिवाइड करेंगे इसको, तो ये डिवाइड करने पे आपको वैल्यू जो मिलने वाली है, मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ इसके अंदर, ये वैल्यू करीब करीब जो है आपके पास आएगी, अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगा 1/2.20, है ना, लगभग लगभग दो बार भाग जाएगा इसमें। अगली जो वैल्यू मिलेगी अगर काटें इसको, इसमें भाग दें, तो इसका भाग इसमें दे देना ना, तो ये आएगा 1/98, ये आएगा 1/384, ठीक है। अब यहाँ जब ऐसी वैल्यू आ जाती है पॉइंटों के अंदर, तब आपको क्या करना है, इस केस के अंदर जो है इसका आपको इसको पूर्ण गुणित बना लेना है ना, इंटीजर बना लेना है, लगभग लगभग ले जाएगी, तो ये किसके बराबर है, लगभग लगभग दो के, ये दो के, ये किसके हैं चार के लगभग लगभग बराबर सा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बना लेंगे हम इसको, इसको जब इसको पहले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल क्या होगा एच के एल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2.02 अनुपात 1.98 अनुपात 3. अब क्या करें इसका, तो ये हो जाएगा 2 अनुपात 4, ठीक है, 2 अनुपात 2, तो इसको आगे मैं और सोल्व कर सकता हूँ, क्या लिखता हूँ 1 अनुपात 1 अनुपात 2, तो उसका मतलब एच के एल जो मुझे मिला है इसके लिए वो कितना मिल गया 1 1 2,
ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो इंटरसेक्शन होते हैं ये किसकी वैल्यू, पी ए क्यू बी और आर सी की वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है ये हो ही गया है अपना कंप्लीट करीब करीब, इसमें कोई समस्या नहीं है। और चलिए ये क्वेश्चन एक मैं जैसे मैंने आपको मिलन डिफेंस में तो हो गया, अब एक मैं डी जो हमने निकाला है उनकी बात कर लेता हूँ, उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं एक। इसमें दिया है कि यदि किसी गणीय जालक का जालक नियतांक ए है तो जीरो वन वन, वन जीरो वन तथा वन वन टू तलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है और गिवन है हमें सिंपल क्यूबिक है, सबसे पहले क्या दिया है सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और वो कितना दिया ए दिया है, तो कोई समस्या ही नहीं है, है ना। ये ए हमें गिवन है ना। उसके साथ साथ दूसरा क्या दिया है, किन किन के बीच में निकालना है, पहले तो निकालना है हमें जीरो वन वन, जीरो वन वन, दूसरे में निकालना है 101 और तीसरे में निकालना है 112, ठीक है, इनके बीच में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, D011 HCL D011, तो A ऊपर आ जाएगा, तो A रूट में 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा A अपॉन रूट 2। फिर D101 A रूट में 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो a अपॉन रूट 2। D112 तो a अपॉन 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट में, तो a अपॉन ये कितना हो जाएगा 112 और ये कितना मिलेगा 4 6, तो रूट में 6। इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो सारी चीज़ें आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ब्रेग इक्वेशन। ये हमने कर ही लिए सारी क्वेश्चन, यहाँ पे भी कंप्लीटेड है और हाँ ब्रेग इक्वेशन जो है वो नया हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, मेदर इंडिसेज हो गया, ये भी हो गया ब्रेग इक्वेशन। अब ये ब्रेक इक्वेशन क्या है कि मान लीजिए आप जब जालक की बात करते हैं ना लेटिस की, तो लेटिस कैसा होता है, ये आपके लेटिस पॉइंट है लेटिस में, ठीक है। अब जो है जालक तल जो होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, एंगस्ट्रोम में, ठीक है, उनके बीच की दूरी किसमें होती है, एंगस्ट्रोम में। तो जब एंगस्ट्रोम में उनके बीच की दूरी है और हम अगर एक्सरे की बात हम करें, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो भी किसमें आती है, एंगस्ट्रोम में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सरे को यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इसमें विवर्तन करेगी, है ना, विवर्तन होगा, तो विवर्तन के मतलब क्या है, यानी कि वहाँ पे डिफ्रेक्शन होगा। डिफ्रेक्शन की कंडीशन क्या होती है, जब मैंने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई थी डिफ्रेक्शन जब स्टार्ट किया था तो पहली बार में मैंने ये कहा था, कंसेप्ट क्या था, डिफ्रेक्शन तभी होगा, डिफ्रेक्शन तभी होगा जो जब आपको जो वेव यूज कर रहे हैं उस वेव की वेवलेंथ और जिस जो आपके पास ऑब्स्टकल है, जो आपके पास द्वारक है यानी कि अपार्चर है, जो आपने सामने जिससे आप विवर्तन करवाना चाहते हैं जिससे, उसकी साइज जो है उसकी कोटि की, उसके ऑर्डर के होनी चाहिए, वेवलेंथ के ऑर्डर की, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है, एंगस्ट्रोम में, और एक्सरे भी किसकी होती है, एंगस्ट्रोम में होती है। तो इसका मतलब जब इस एक्सरे को यूज करते हैं तो वो क्या करेगी, यहाँ पे विवर्तन करेगी, डिफ्रेक्शन करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए एक एक्सरे जो है वो यहाँ से यहाँ और बना देता हूँ एक पॉइंट में ताकि बीच करेगा, ये एक्सरे जो है वो यहाँ से आती है और क्या होती है, विवर्तित हो जाती है, डिफेक्ट हो जाती है, ठीक है, कोई समस्या, बड़ी सिंपल सा है। इसके पैरेलल में क्या होगी, दूसरी एक्सरे आई यहाँ पे टकराई और ये वापस इधर चलेगी, विवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा, एंगल कितना है थीटा। तो अब आप यहाँ से देखिए, इसको मैं पीछे बढ़ाता हूँ 90 डिग्री पे, तो यहाँ कटेगी, इसको पीछे बढ़ाता हूँ ये यहाँ कटेगी, तो यहाँ तक तो दोनों पैरेलल चल रही, तो इनमें कोई पथांतर यानी कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है,
इसमें भी कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये नीचे वाली ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया भाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये डिफ्रैक्ट होती है तो इसने क्या किया, इतना पाथ ट्रेवल ज़्यादा किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो थीटा है वो यहाँ से नहीं लेके बुक के हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये वाली दोनों के बीच, ये तल है पूरा एक, इस तल के बीच में, तो इसको क्या ले लिया हमने, डी ले लिया। तो जब पथांतर निकालूंगा तो पथांतर का मतलब ये क्या होगा, ये थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होगा इसके अंदर, अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, है ना, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है, दोनों में लिख रहा हूँ मैं ना। ये क्या होगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ये मुझे गिविन है और ये निकालना है, तो कौन सा फॉर्म लगेगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, इन दोनों में रिलेशन कौन होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी, डी साइन थीटा, ठीक है। तो ये डी साइन थीटा और ये भी कितनी, डी साइन थीटा। तो कुछ इसका मतलब इन दोनों रे के बीच में कितना पथांतर हुआ, टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 2d साइन थीटा का, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस यहाँ मिलने वाला है आपको कितना मिलेगा, 2d साइन थीटा, कितना मिलेगा, 2d साइन थीटा, इसे लिखेंगे पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर, ठीक है। ये क्या होगा आपका, पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर। अब अगर मान लीजिए इस पर हम लगा देते हैं कौन सा कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि समपोषी व्यतिकरण है, समपोषी व्यतिकरण होगा तो क्या होगा, ये जो पथांतर होना चाहिए कितना होना चाहिए, n लैम्डा के में होना चाहिए, और n क्या हो सकता है, 0, 1, 2 इस तरह से, ठीक है। तो उस केस में 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये जो होता है इसे हम लिखते हैं 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेग इक्वेशन, ठीक है। 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा जो है वही क्या है, इसकी ब्रेग इक्वेशन है, ठीक है। आगे कंडीशन एक और बनती है कि n की वैल्यू मान लीजिए 1 है, मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो, मतलब मिनिमम 0 का मतलब तो क्या हुआ कि ये दोनों वेव सेम ही है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, क्योंकि हम इसको 0 भी छोड़ देते हैं, 1 से स्टार्टिंग, क्यों, देखो 0 होने का मतलब तो क्या है कि ये वेव यहीं आई, यहीं से टकरा के चलेगी, इन दोनों में 0, लेकिन अगर यहाँ नीचे आएगी तो कितना होगा, उसमें वो पथांतर कुछ ना कुछ होगा ही सही, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हुआ तो 1, 2, 3 इससे मानते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 1 है, तो 1 के वाले केस में क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्ब्डा, और साइन थीटा भी कितना हो सकता है मैक्सिमम, कि साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम आ सकता है 1 के बराबर। तो अगर ये मैक्सिमम वाली कंडीशन हम लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितने पे, 90 डिग्री पे, तो उस केस में क्या होता है, 2d बराबर लैम्ब्डा, तो d बराबर क्या होगा, लैम्ब्डा बाई 2, 2d बराबर लैम्ब्डा, तो d बराबर क्या होगा ये, तो मिनिमम जो d होगा, अच्छा एक चीज़ अगर मैक्सिमम करो तो दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, अपने आप ही मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 2d लैम्ब्डा, तो d जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, लैम्ब्डा बाई 2। अगर लैम्ब्डा बाई 2 से छोटा है d, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना कि अगर मान लीजिए जालक तलों के बीच की दूरी जो हम वेव यूज कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए आपने क्या कौन सा यूज किया है, आपने एक्सरे यूज की है, उसकी लैम्ब्डा जो है वो क्या होना चाहिए, वो डी की डबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर डबल नहीं है, उससे कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम कभी भी ये डिफ्लेक्शन पैटर्न जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंडीशन आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा हो गया ब्रेग इक्वेशन, और ब्रेग इक्वेशन पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा यहाँ दे रखा है क्या, ठीक है, इसमें देख लीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और मैं इसमें, मैंने कहा ना दोनों का मिक्सचर भी देख लीजिए, कई बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आ जाता है ना,
तो हमारे पास इक्वेशन जो बनती है यहाँ पे, ब्रेग इक्वेशन, वो वापस लिख देता हूँ मैं। ब्रेग इक्वेशन क्या बनी थी कि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि जो d हमने निकाला था, ठीक है, जो d हमने निकाला था वो d क्या निकाला था, एक सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए, वो था a अपॉन रूट में h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और प्लस में l स्क्वायर, ठीक है, ये वाली हमने वैल्यू यहाँ से निकाली थी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में दूसरा d इक्वल टू क्या निकलता है, n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो a अपॉन रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। तो आपके पास एक इक्वेशन जो है, ब्रेग इक्वेशन प्लस जालक तलों के बीच की दूरी जो है, उन दोनों को मिला के हम इक्वेशन बना सकते हैं। इसको इम्पोर्टेंट लगाना, क्योंकि दोनों का मिक्स करके इक्वेशन, आपको डी डायरेक्टली नहीं देखे और दोनों का ये देखे और आपके लेमदा या फिर ये चीज़ें जो है थीटा में से कोई एक चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, एच के एल की वैल्यू दे देंगे, आपको डी नहीं देखें, एच के एल और ए की वैल्यू दे देंगे, तो आप पहले वो डी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रख के, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनका मिक्सर दिया जा सकता है आपको। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर में 1.3 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक्स किरणों का विवर्तन 25 डिग्री कोण पर होता है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, है ना, गिवन है हमें क्वेश्चन में एक्स रे की जो लैम्डा है वो है 1.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.3 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों का विवर्तन 25 कोण पर होता है। अब विवर्तन 25 कोण पर होने का मतलब क्या है, दिमाग में रखना, विवर्तन का मतलब ये, तो ये कितना है, अगर मान लीजिए अगर एंगल की मैं बात करूँ इसमें, तो ये इस तरह से हम देखें तो 25 डिग्री क्या है, टोटल मिला के एंगल दिया है। विवर्तन किस पर होता है, 25 डिग्री पर। देखो दिमाग में ये चीज़ ध्यान रखना कि थीटा कौन सा दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें कितना दिया है, 25 डिग्री कोण दिया है। तो परमाणु होता है, परमाणु समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि परमाणु के जो समतल हैं उनके बीच की दूरी, वही प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आपको थीटा जो होगा वो कितना होगा, 25/2, दैट इज ये, एक तो ये दिमाग में रखें, है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है उसकी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। डी मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है, बड़ा सिंपल सा है। अब इन्होंने क्या है, एन नहीं दिया है, तो उस केस के लिए एन इक्वल टू वन मान के चलना है। जब दिया है तो वो डी दे लेंगे, और अगर नहीं दिया तो एन इक्वल टू वन मान के चलना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। डी निकालना है, हाँ डी निकालना है, डी निकालना तो क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। n 1 है, लेमदा कितना है, 1.3 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा कितना है, साइन 12.5 डिग्री। अब जब ऐसा कुछ आपको एंगल देंगे तो उसकी वैल्यू आपको गिविन होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, गिविन होगी। और इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है 0.26414, कितनी आती है, ये गिविन है 0.26141, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपको 30-30 ऐसे कुछ एंगल दिए जाएंगे, और अगर ये देते हैं तो उसकी वैल्यू देंगे, वो आपस में कटने वाली ऐसी होंगी, ठीक है। फाइनल अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आपको मिलेगी 3 एंगस्ट्रॉम, कितनी मिलेगी, 3 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी फाइनल आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन आपको देंगे, है ना, और मेरे हिसाब से आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा नॉर्मली वो एचकेएल देके उसके बाद डी फाइंड आउट करवाएंगे, और डी फाइंड आउट करवा के जो लिखा लास्ट वाला फॉर्मूला वो रहेगा, ठीक है। तो थीटा में कंफ्यूज नहीं होना, थीटा जिसकी वैल्यू दे रखी है वो आप वहाँ पे रख देंगे। और ठीक है, तो ब्रेग इक्वेशन से रिलेटेड या फिर जो लैटिस से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देख ली, अब कुछ रेसिप्रोकल लैटिस हैं उनके फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूँ, टाइम अपने पास है अभी 15-20 मिनट,
तो रेसिप्रोकलेटिस के फॉर्मूले डायरेक्टली आएंगे, वो आपके पीजी वाले पोर्शन है उसमें भी रहते हैं रेसिप्रोकलेटिस और इसमें भी हैं, तो वो फॉर्मूले आप देख लीजिए उसके, है ना, प्रतिलोमी जालक यानी कि रेसिप्रोकलेटिस। प्रतिलोमी जालक यानी कि रेसिप्रोकल लेटिस। अब रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर जो हम लेटिस कॉन्स्टेंट लिखते हैं वो क्या होंगे, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार, स्टार के फॉर्म में लिखेंगे रेसिप्रोकल लेटिस में, ठीक है। तो नंबर वन, अगर मान लीजिए मुझे ए स्टार लिखना है तो वो ए स्टार कैसे निकालूंगा, ठीक है। जब ए स्टार लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा 2π बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ये आपके पास क्या रहेगा, इसका वैल्यू हो जाएंगी। अगर यही मान लीजिए मुझे क्या लिखना है, बी स्टार की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूंगा भाई, आप क्या कहें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आगे फिर वापस जो है इस क्रम को नहीं चेंज करना है, क्रम चेंज करते गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब किसका लिखना है, बी का लिखना है तो आगे वाले दो लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2π तो है ही, सॉरी सी क्रॉस, अच्छा इसको नहीं, ए बी सी ऐसे लिखिए, क्या करेंगे ए बी सी फिर वापस ए बी और सी, तो ये लिखेंगे तो क्या होगा सी ए का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सी ए का मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाली जो चीज है वो क्या है, अदिश है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इन दोनों से क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी उसका डॉट प्रोडक्ट, तो कुल मिला के अदिश। तो इसका मतलब ये जो नीचे वाली राशि मिल रही है वो क्या मिले हमें, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वो एक सिर्फ नंबर होगा, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है। आगे जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी और साथ में 2π, ठीक है। ये रेसिप्रोकल लेटिस निकालने का तरीका है, छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आ जाता है मान लीजिए, हालांकि अभी तक आया नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा, प्रतिलोमी यानी कि रेसिप्रोकल जो लेटिस होगी, वो रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर अगर इफ डी डैश जो है उसको डी डैश एच के एल, ठीक है, इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेन इन रेसिप्रोकल लेटिस, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि DSKL प्रतिलोमी जालक में समतलों के मध्य की दूरी है, तब क्या होगा कि डी डैश एच के एल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, 1/DSKL। ये डी कौन सा है, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, तो इसका मतलब प्रतिलोमी जालक और इसमें आपस में जो डिस्टेंस में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा, रेसिप्रोकल में होगा, बस ये दिमाग में रखें आप लोग, ठीक है। इसके अलावा तीसरा, ट्रांसलेशन वेक्टर अगर होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर इसका स्टार में लिखेंगे, तो वो जो स्टार में लिखेंगे ट्रांसलेशन, तो वो भी सेम हो जाएगा, n1 स्टार ए प्लस n2 बी कौन सा स्टार में और n3 सी स्टार में, इसमें कोई ज़्यादा समस्या है नहीं, है ना, सिंपल सी चीज़ें हैं। इससे आगे कि अगर आप ए स्टार ए लेते हैं, चौथा, बस सिर्फ फॉर्मूले सारे इसके अंदर, है ना, कि अगर आप ए स्टार का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, 1। इसका उल्टा भी हो सकता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम्यूट करते हैं, है ना, तो ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर ए स्टार का आप बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 आएगा, ठीक है, या ए स्टार का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी सबके लिए वैसे कुछ लिखी जा सकती है, ठीक है। इसी तरह से बी स्टार और बी, इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1, और इसी तरह से सी स्टार C
सी का जो प्रोडक्ट आएगा वो 1, बाकी दूसरे के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बाकी सब कितना आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है, अगला पांचवा, अगर आप इसका स्टार का स्टार कर देते हैं तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ए। सिमिलरली बी स्टार का स्टार अगर आप लेते हैं, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल तो क्या मिलेगा, बी। और अगर आप सी स्टार का फिर से स्टार लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको, रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल वापस क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल लेटिस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके साथ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप लगाएंगे यहाँ पे, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, वो क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे, सिंपल क्यूबिक जो है आपका सरल गणीय, उसका जब आप रेसिप्रोकल लेटिस निकालते हो वो क्या होती है, सरल गणीय होती है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक इज ऑल्सो सिंपल क्यूबिक, यानी कि सरल गणीय जालक का, सरल गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक भी सरल गणीय होता है। दूसरा, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ बी सी सी इज एस पी सी, यानी कि जब आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि अंत्य केंद्रित गणीय लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल अगर उन नियमों से निकालते हैं तो कौन सी बनेगी, वो फलक केंद्रित में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि अंत्य केंद्रित गणीय जालक, अंत्य केंद्रित गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक फलक केंद्रित गणीय जालक होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे, अंत्य केंद्रित गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक फलक केंद्रित गणीय होता है। तीसरा, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ एफ सी सी इज बी सी सी, ठीक है, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ एफ सी सी इज बी सी सी, यानी कि फलक केंद्रित गणीय जालक का प्रतिलोमी जालक अंत्य केंद्रित गणीय होता है, अंत्य केंद्रित गणीय होता है। ठीक है, ये कुल मिला के आपके जितने भी जो क्या बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले थे वो सिंपल, और जो भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने वाला थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, मैंने कुछ पोर्शन इसमें से छोड़ा है, ठीक है, लेकिन वो वही पोर्शन छोड़ा है जिसका एग्जाम में आने के चांसेस या तो जीरो है या फिर आज तक कभी पूछे नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम में आपके फर्स्ट ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग आ सकता था वो सारा का सारा मैंने इसमें आपके लेटेस्ट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम जब हैं तो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर वाले। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके फटाफट जो है ये चैप्टर में कंप्लीट करवा दूं, है ना, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, और उसके साथ साथ जो है फिर न्यूक्लियर फिजिक्स बचेगी उसमें भी कोई ज़्यादा टाइम मैं लगाऊंगा नहीं, है ना। तो आपका कोर्स में फटाफट कोर्स, हालांकि बीच में क्या होता है मैं कहता तो हूँ कई बार कि भाई मैं कोर्स कंप्लीट अभी इतने में करा दूंगा उतने में करा दूंगा, लेकिन साथ साथ में मेरी जॉब का भी काम है वो चलता रहता है, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं कब कल मुझे कौन सा काम मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के और आपके लिए जो वीडियो लेक्चर वो बनाता रहूँगा, और आपके एग्जाम से पहले पहले मैं ये कंप्लीट करवा के उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है वो आपको करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।